I hope you all are fine and doing well. In today's class, we will do the question number 6 of exercise number 4.4. And the question is, the sum of two algebraic expression is. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें जो है वो दो algebraic expression का सम दिया गया है और जिन दो नंबर्स का वो सम है, जिन दो एक्सप्रेशन का वो सम है, वो एक एक्सप्रेशन दी गई है और दूसरे एक्सप्रेशन में मालूम करना है. लाइक अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई अगर आपके पास किसी दो नंबर्स का सम 5 है, अगर दो नंबर्स का सम 5 है जिसमें से एक 3 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे उसके लिए 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे. 5 - 3 = 2. तो ये रहा वो नंबर. इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो हमें सेंस बन रहा है वो किसका बन रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमें इसमें दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम दिया गया है. अच्छा, जिन दो एक्सप्रेशन का ये सम है उसमें से एक हमें किसी में दूसरे में मालूम करना है. तो कभी भी इस तरह का सवाल हो जहाँ वो आपसे कहें कि सम है एक एक्सप्रेशन ये है, तो वहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्शन का सेंस बन रहा है. सब्ट्रैक्शन कैसे होती है ये हम क्लास क्लास में सीख चुके हैं. तो सम जो है ये उन्होंने खुद कहा है कि द सम हुआ जो दूसरे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक एक्सप्रेशन जो हमें दिए में दूसरे मालूम करते हैं उसको जो है वो सम जो है आपके पास उसके नीचे लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द वेरिएबल. एक्स पावर 4 के नीचे हम 2x⁴ लिखेंगे, ठीक है, और एक्स क्यूब के नीचे हम x³ लिखेंगे और x² के नीचे हम x² लिखेंगे और a के नीचे हम क्या लिखेंगे बेटा a. तो अभी मैंने आपको कहा सब्ट्रैक्शन, सम का मतलब क्या है कि सम दिया जाए, ठीक है, और एक नंबर वो आपसे मालूम करे तो हम माइनस करेंगे. माइनस करते हुए क्या होता है कि जिस एक्सप्रेशन को माइनस कर रहे हैं या नीचे वाले की एक्सप्रेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं. अपोजिट साइन ऑफ प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, व्हेन देयर इज नो साइन सो देयर इज प्लस साइन और प्लस का अपोजिट साइन माइनस. अब आपने क्या करना है 4x² में से 2x² को माइनस करना है. तो आपके पास क्या जाएगा बेटा 4x⁴ में से 2x⁴ को माइनस किया, आंसर आपके पास क्या है 2x⁴. ऐसे ही माइनस करिए x³ एंड माइनस के साइन चेंज होने के बाद देखिए ये x³ जो है वो माइनस का हो चुका है. तो दोनों जब नंबर्स माइनस के होते हैं तो आपस में प्लस होंगे. 3x³ और 1x³ हाउ मच? -4x³ और 2x² एंड प्लस 1x² हाउ मच? 3x² माइनस है एंड माइनस 2 हाउ मच? -3. तो दिस इज योर आंसर. और ये वो तो इसमें जो है इससे जाहिर सी बात है वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका आंसर आप वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखे. सो द अदर एक्सप्रेशन इज टू एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x² एंड माइनस 3. दिस इज योर आंसर. आई होप ये आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.